मेरी किताब में ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है और कभी नहीं रहेगी। 9 लोग मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे और 2 डंडी मार रहे थे। मुझे घर वाले भी समझाते हैं कि सजा हो गई है जाने दो, मैं कहा हाँ ठीक है वो खेलते रहे, मगर मुझे पता है कितना रगड़ा मिलता है एक क्रिकेटर को। वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी और मैं इनको यही कहा था, मैंने कहा कि आपने मोटरवे के बजाय GT रोड ले ली मगर पहुँच फिर भी गए। जो फिक्सिंग में मुलव्वस हैं और जो टेंटेड है उससे मोहब्बत नहीं की जाती है, और पाकिस्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाऊंगा। देखिए जहां तक सरफराज की बात है वो हमेशा से टीम का हिस्सा रहे हैं, तो अगर आपका कप्तान स्ट्रांग होगा आपकी टीम स्ट्रांग होगी। सो उसने लड़के खिलाने और लड़ाने हैं। मैं आपको व्हाट्सएप अपना दिखाऊं अगर, जो कि 150 क्रिकेटर्स को इन्होंने फारिग किया है, जो कोचेस को फारिग किया है, वो सब रो रहे हैं। सो एक तरफ तो आप नौकरियों के लिए आए हैं और दूसरी तरफ 150 नौकरी आपकी चली गई हुई है। किसी के हवाले कर देना, एक नॉन क्रिकेटर के हवाले कर देना इस गेम को, तो फिर वो तो आप समझे कि आप अंधेरे में जो है वो चीज़ें ढूंढने वाली बात हो जाती है। ये जो बाबर आजम फॉर एग्जांपल, एक लेजेंडरी जो स्टेटस मिला है इनको, ये ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट मिला है, इनके ऊपर काम हुआ अंडर 17s में, अंडर 19s में, और एक जो आगे चल के फिर खिलाड़ी ऐसा हो गया। सो एक तो वर्ल्ड कप का फाइनल खेलना बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और मैं इनको यही कहा था, मैंने कहा कि आपने मोटरवे के बजाय GT रोड ले ली मगर पहुँच फिर भी गए। दूसरा ये है कि आई जस्ट होप कि इस वजह से ये सारी चीज़ें ना हो रही हों, क्योंकि एक आपकी चलती फिरती एक क्रिकेट टीम है वाइट बॉल में, अगर आप फाइनल्स भी खेलते हैं दैट मीन्स कि कहीं तो आप काम अच्छा कर रहे हैं ना। बाकी दुनिया भी है, $1 बिलियन की इकॉनमी, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, इंडिया है नहीं पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया है नहीं पहुँचे, ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था वर्ल्ड कप नहीं पहुँचे, पाकिस्तान पहुँचा है, और दुनिया की 2 बेस्ट टीम्स पहुँची इन द एंड। सो ये एक रेगुलर एक पैटर्न को चेंज करके मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसमें से हासिल क्या होना है, क्योंकि अगर वो रेगुलर मेंबर नहीं है जो आपने वाइस कैप्टन बनाया है, इतना बड़ा रिस्क उठाया है सिर्फ इस टीम को प्रेशराइज करने के लिए, और इसके अलावा कुछ होने वाला नहीं है। सो अकल ये कहती है कि जो एक मॉडल आपका चल रहा है उसमें छेड़खानी ना करें, वाइट बॉल में ये टीम आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छा। जो फिक्सिंग में मुलव्वस हैं और जो टेंटेड हैं उससे मोहब्बत नहीं की जाती है, एक तो बड़ा क्लियर। और वो आप शायद, मैं इसलिए ज़्यादा इस चीज़ को महसूस करता हूँ क्योंकि मैं उस एरा में क्रिकेट खेला था अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पे 9 लोग मैच जीतने की कोशिश कर रहे थे और 2 डंडी मार रहे थे। तो जब आपके साथ ये प्रैक्टिकली चीज़ हो जाती है ना, आप बड़ी मुश्किल से, मुझे घर वाले भी समझाते हैं कि सजा हो गई है जाने दो, मैं कहा हाँ ठीक है वो खेलते रहे, मगर मेरी किताब में ऐसे लोगों की कोई इज्जत नहीं है और कभी नहीं रहेगी। मुझे पता है कितना रगड़ा मिलता है एक क्रिकेटर को, और क्योंकि ऑप्शंस हैं नहीं तो क्रिकेट बोर्ड के पास आते हैं वो ऑप्शंस तलाश करने के लिए, और मेरा सिर्फ, और मैं समझता हूँ कि मेरी एक तरह से ये ड्यूटी है कि मैं उनको सर्व करूं और सर्विस करूं। तो ये प्रोसेसेस चलते रहेंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान टीम को टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 बनाऊंगा आगे। देखिए जहां तक सरफराज की बात है वो हमेशा से टीम का हिस्सा रहे हैं। सो मैं जब आप 15 या 17 प्लेयर्स अनाउंस कर देते हैं, सो फिर उसके आगे मैं नहीं समझता हूँ कि किसी की और ज्यूरिसडिक्शन होनी चाहिए सिवाय आपके कोच या कैप्टन के, वो है। और मैंने कोशिश सारी वक्त यही की कि कप्तान को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि ये जो गेम है ना क्रिकेट की, ये फुटबॉल की तरह साइडलाइन से नहीं रन होती है, ये अभी भी वो स्पोर्ट है या चंद स्पोर्ट्स में से एक है जहाँ पे लीडरशिप मैटर्स। सो तो अगर आपका कप्तान स्ट्रॉन्ग होगा आपकी टीम स्ट्रॉन्ग होगी। सो उसने लड़के खिलाने और लड़ाने हैं, तो एक तो ये है। दूसरा, हमारी टेस्ट क्रिकेट में हम बहुत पीछे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इंग्लैंड ने आके हमें एक्सपोज किया, और मैंने पहले कहा था कि हमारे सिस्टम को ये जोल्ट मिलेगा क्योंकि उन्होंने T20 के प्लेयर्स सेलेक्ट किए थे उसमें ऑलमोस्ट, तो एक खास एक टाइप की उन्होंने क्रिकेट खेली थी, और हमें इसमें बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और वो वक्त लगता है, वो आपका कॉम्बिनेशन बनता है, इंजरीज हुई, पूरी टीम नहीं थी, मगर एक मैसिव वेकअप कॉल है। और वनडे में जो हमारे 2 फॉर्मेट्स हैं 50 ओवर्स और T20 में, वो माशाल्लाह से हमारी प्रोग्रेस अच्छा है।
मैं आपको व्हाट्सएप अपना दिखाऊं अगर, जो कि 150 क्रिकेटर्स को इन्होंने फारिग किया है, जो कोचेस को फारिग किया है, वो सब रो रहे हैं। सो एक तरफ तो आप नौकरियों के लिए आए हैं और दूसरी तरफ 150 नौकरी आपकी चली गई हुई है। सो ये आजकल के माहौल में आपने देखना है कि व्हाट इज़ बेस्ट फॉर क्रिकेट, ये बहुत ज़रूरी है। ये कि देखिए, मैं हमेशा से बिलीव करता हूँ ये जो क्रिकेट का जो फील्ड है, ये क्रिकेटर्स का फील्ड है। और एक मिथ सी बना दी गई है कि जी ये जो क्रिकेटर्स हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे नहीं हो सकते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती है कहाँ से एक माइंडसेट डेवलप किया गया है। और ये ऐसा होता भी रहा है, क्योंकि वो किसी के हवाले कर देना, एक नॉन क्रिकेटर के हवाले कर देना इस गेम को, तो फिर वो तो आप समझे कि आप अंधेरे में जो है वो चीज़ें ढूंढने वाली बात हो जाती है, क्योंकि आपको गेम का आइडिया नहीं है। फिर आप दूसरे पे भरोसा करके और पॉलिसी बनाते हैं, जब कंट्रोल नहीं है तो फिर आप गेम को कैसे गवर्न कर सकेंगे। इसके ऊपर आई थिंक बहुत बैठ के सोच विचार के साथ, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क के साथ आगे चल के ये करना चाहिए कि इसको पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से निकालें और इसमें मेरिट लेके आएँ और इसको लॉन्ग टर्म करें। जिसका कोई टेन्योर है उसको टेन्योर पूरा करने दें, उसके बाद देखेंगे उसने क्या किया क्या नहीं किया। ये जो आपको ये जो बाबर आजम फॉर एग्जांपल एक लेजेंडरी जो स्टेटस मिला है इनको, ये ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट मिला है। इनके ऊपर काम हुआ अंडर 17s में, अंडर 19s में, और एक जो आगे चल के फिर खिलाड़ी ऐसा हो गया। सो हमने 100 बेस्ट का एक लॉट निकाला और वो बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और मैं चाहता हूँ जी आप भी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान करें। सो 100 बेस्ट का क्या एक लॉट दी जाती है? मैं स्कूल क्रिकेट खेला हूँ, 250 स्कोर करना एक 14 साल के बच्चे में टैलेंट है, तो आप इनके साथ इनको कुछ पैसे वैसे दें तो खैर, उनके पास पैसे नहीं थे। तो मैंने तीनों बच्चों को क्रिकेट बोर्ड बुलाया और हमने 5-5 लाख रुपया दिया तीनों को। तो मैंने तो वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। आप लोगों को रमीज राजा की बातें कैसे लगी? क्या रमीज राजा सही कर रहा है मोहम्मद आमिर को टीम में वापस नहीं कर रहा, या फिर रमीज राजा गलत है मोहम्मद आमिर को टीम में वापस आना चाहिए? तो इस हवाले से कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना। और बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।